मैं अभी भी अपनी थोड़ी बहुत सेटिंग कर रही हूँ। मैं अभी इनसे डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा कि कई दफा बहुत सारी जगह पर इकट्ठे लाइव जा रही, उसकी वजह यह है कि मैंने ये सोचा कि जब इतना सारे लोग मुझसे कुरान सुनने के लिए बैठे हुए हैं और फिर मैं अगर कुरान ना कराऊं तो ना उसकी तफसीर बयान करूं या ना कुरान पाक के बारे में बात करूं तो मैं गलत हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने आज वक्त निकाला और मैंने आज सोचा कि मैं हर जगह पर लाइव जाऊंगी और सूरह अल अनाम जो कि बड़े अरसे से हम कंप्लीट कर रहे हैं आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन मेरी तफसीर और दूसरी तफासीर में जो फर्क है वो सिर्फ ये है कि मैं तफसीर जो है वो आजकल के दौर के बारे में बताती हूँ। आज तक हमने जितनी तफासीर पढ़ी है कि मक्की सूरत है, ये मदनी सूरत है, तब ऐसा हुआ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये आयत इसलिए नाजिल हुई, वो हमने बहुत दफा पढ़ा। लेकिन हम आजकल के दौर में इसको किस तरह से अपनी जिंदगी में ला सकते हैं वो मेरी कोशिश है कि वो मैं आप तक पहुंचाऊं। बिकॉज कुरान पाक इज अ बुक फॉर एवरी टाइम, एवरी एरा एंड एवरी जनरेशन। इट इज नेवर आउटडेटेड। साइंस कैन गेट आउटडेटेड, अदर बुक्स कैन गेट आउटडेटेड, बट कुरान इज फॉरएवर। और मेरा कुरान पाक से प्यार ये है कि मैं कुरान रीडिंग, और मैं पूरी तरह इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ, कोई भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। समटाइम्स मेरे बाल भी नजर आ रहे होते हैं, समटाइम्स मैं अपने ब्रांड के लिए भी काम कर रही होती हूँ, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि वहां पर आप लोग मेरी जगह पर नहीं है। बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बंदे जो है वो राबी पीज़ा द फाउंडेशन पे बेचारे डिपेंड करते हैं, और मैं फिर उनकी मुझे हेल्प करनी होती है और मुझे ना भी काम करने पड़ते हैं, वरना मेरा दिल नहीं करता। अगर मैंने यही काम करने थे तो मैं मीडिया में कबूरी थी। अच्छा, कमेंट्स जो हैं वो इन सारी जगहों पर मैं आपको बता दूं कि कमेंट्स जो हैं वो मैं सिर्फ देखती हूँ यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि वो सामने खुला होता है। तो तारिक किचन, वालेकुम अस्सलाम, फरमाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या प्यारा नाम है आपका। हनीफ खान वीलॉग, फरमाने मोहम्मद, अब तो मैं आपकी शहजादी बहन बन गई, अब तो ये पक्का हो गया है। उस्मान क्रिकेट, I actually enjoy reading your names. तो हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमने पढ़ लिया था रुबा तक, वन बाय फोर्थ खत्म हो गया था, और आज हमने कोशिश करनी है कि हमने सूरह अल अनाम जो है ना वो आज कंप्लीट करनी है, चाहे आज हमें टाइम ही लग जाए। और ये मेरा आपसे वादा है, मेरे साथ बैठ के कुरान को पढ़ें, समझें, सुने, उसके बाद दो नफिल मगरिब की नमाज हो जाएगी, अजान हो जाएगी, दो नवाफिल आपने अल्लाह से नवाफिल अपनी हाजत की, अपनी ख्वाहिश की आपने पढ़ने, उसके बाद दुआ करनी है। क्योंकि मेरी इसके बाद ऐसी दुआ होती है कि या अल्लाह, जितने लोग तेरी तेरी किताब के साथ जुड़े हैं, उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, जहाँ पर हमारा सोशल मीडिया गंद गलाजत से भरा हुआ है, वहां पे जो लोग दीन की बात करने वाले हैं, मेरी हमेशा अल्लाह से दुआ होती है कि अल्लाह उनकी ना इस सारी मेहनत के बाद ना उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देगा। तो वो मेरी दुआएं और अल्लाह मेरी दुआ रद्दी नहीं करता, तो आपकी दुआ भी कबूल होगी इनडायरेक्टली। सो हमने आयत नंबर 141 कर दिया, जो मैंने 144 लिख दिया था, इसको मैं अपनी टीम से कहूंगी, वो देख भी रहूंगी कि करेक्ट कर ले, 144 141 है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और वही है जिसने बागात पैदा किए छतरियों पर चढ़ाए बगैर चढ़ाए हुए, और खजूर और फसलें पैदा की, उसके फल के मजे मुख्तलिफ हैं, जैतून और अनार मिलते जुलते हैं, ना मिलते जुलते भी। इनका फल खाओ जब वो फल लाएं, इनकी कटाई और चुनाई के दिन, अल्लाह का हक अदा कर दिया करो, फजूल खर्ची ना करो, बेशक अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पता है कि मुझे काश्तकारी का शौक है, ये मैं अपनी जिंदगी में बता रही हूँ। तो जब मैंने गंदम काटी तो गंदम की डिफरेंट बोरियां बनी, कुछ गंदम आपको पता है तबाही हो गई, कोई आंधी तूफान से गिर गई, मुझे नहीं पता था, मैंने इतना ये गौर नहीं किया था, ना मेरे जहन में ये आयत थी, लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरी चूंकि हर चीज में अल्लाह का हिस्सा होता है, तो गंदम के पैसों में तो अल्लाह का हिस्सा बन ही जाना था, मैंने कहा गंदम में भी अल्लाह का हिस्सा रखो, इसका आटा पिसवा कर ना लोगों में बांटो, और अल्लाह ने बंटवाया, अल्लाह ने मुझे इतनी तौफीक दी। अब जैसे ही कहते हैं ना कि उनके मिलते जुलते और ना मिलते जुलते भी, टुडे वी नेम सिट्रस फ्रूट, सिट्रस के अंदर लेमन आ जाते हैं, ऑरेंजेस आ जाते हैं, देयर सो मेनी आई मीन डिफरेंट फ्रूट जो कि सिट्रस फ्रूट्स की रेंज में आते हैं। कुरान पाक ने तो इतने 100 साल पहले कर दिया था कि वो मिलते जुलते भी है, अब हमने खुद साइंस ने अब कहीं आकर जो है ना वो उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बना ली। अच्छा, अल्लाह फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। देखो अल्लाह ने कहा कि जैतून खाओ, अनार खाओ, फल खाओ, जैतून अनार जो था वो का बड़ा एक्सपेंसिव फल था, अल्लाह ने महंगी महंगी चीजों के नाम लिए लेकिन फजूल खर्ची का मना कर दिया। वो होता ये है कि हम देखें, हम वी आर ह्यूमंस, वी डू कमिट मिस्टेक्स। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम लोग शादियों पे जाते हैं ना, आपको क्या लगता है कि शादियों पर जाकर जब आप भरी हुई प्लेटें जो है वो छोड़ जाते हैं तो क्या आपको उसका गुनाह नहीं होता होगा? मुझे बहुत डर लगता है, जब से मैंने ये अल्लाह के काम करने शुरू किए, आप यकीन करें कि मेरे घर में
मेरे घर में मैं वेट करती हूँ, जब सब लोग रोटी खा लेते हैं ना, उसके जो पीसेस उन्होंने छोड़े होते हैं ना, मेरी पता है मैं क्या किस किस्म की खातून थी, लड़की थी, मेरी ऐसी आदत थी कि डबल रोटी की साइड्स नहीं खानी, रोटी की साइड्स नहीं खानी। जब मैंने इतनी भूख और अफलास देखी, मैंने कहा या अल्लाह हम कितने नाशुक्र हैं। अब वो जो साइड्स होती है ना, मैं वो सबसे पहले खाती हूँ, लोगों की बची हुई। सो ना फजूल खर्ची ना करें, फजूल खर्ची ना करें। और अगर आपने किसी के कभी दिल कर रहा है कि फजूल खर्ची करने का, तो 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं तो उसमें से 200 रुपए ना अल्लाह के बंदों को, मैं बताती हूँ अल्लाह के बंदे इतने सारे हैं जिनकी मदद मैं नहीं कर पाती, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, कुरान मेरे हाथ में, ट्राई करती हूँ बट समटाइम्स मैं उनकी शायद पूरी मदद नहीं कर पाती, लेकिन कोई ना कोई अल्लाह का बंदा जुड़ता है फाउंडेशन से और वो उनकी मदद कर जाता। और उसे छुपायों में से बोझ उठाने वाले और जमीन से लगे पस कर, अल्लाह ने तुम्हें जो रिस्क दिया है इसमें से खाओ और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब छुपायों में से आपको पता है कि बोझ उठाने वाले क्या है, गधा है, घोड़ा है, और पस कर जैसे बकरी तो नहीं बोझ उठाएगी ना, बकरी तो छोटी है। बस अल्लाह कहता है कि तुम शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। जब हमारे जहन में कोई गलत ख्याल आता है, जब हम अपने मुंह से अपने दिमाग से कोई गंदी बात लिखते या सोचते हैं, वो शैतान के बरगलाने पर हमारा नफ्स कर रहा होता है, हमारा भी कसूर है। ये 8 किस्में पैदा की जिसमें 2 भीड़ में से और 2 बकरी में से है। नबी कह दीजिए क्या इन दोनों के जर नर हराम की, इन दोनों की मादाएं या वो बच्चे दोनों मादाओं के पेट में हो, ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। इसको मुझे पास में ही बताना पड़ेगा कि पास में ही होता था कि जब कोई गाय का बच्चा पैदा होता था, अगर तो वो मर जाता था तो औरतें भी खा सकती थी, अगर वो सेहतमंद पैदा होता था तो उसको सिर्फ मर्द खाते थे। अब ना यू सी कि हम औरतों की राइट्स की बात करते हैं, मैं सिंस आई हैव बीन यू नो प्रैक्टिसिंग दीन सो मच, मुझे पता चला है कि हमारे दीन से ज्यादा इस्लाम की औरतों के राइट्स को देता ही नहीं है। तो उसके अंदर भी अल्लाह ताला ये कहता है कि भाई मैंने तुम्हें ये भेड़ बकरी सब हलाल कर दी है, मादाएं भी हलाल हैं, बच्चे भी हलाल हैं, तो ये क्या डिस्टिंक्शन जो है मुशरिकों ने बनाई दी है कि जो मरा हुआ बच्चा पैदा होगा सिर्फ वही औरतें खा सकेंगी, जो पूरा सही बच्चा पैदा होगा वो औरत के लिए जायज नहीं है। जस्ट इमेजिन कि अल्लाह ने हमें कितनी ब्लेसिंग दी है, जस्ट इमेजिन। और दो ऊंटों में से और दो गायों में से कह दीजिए कि अल्लाह ने दोनों की नर हराम कर दी, दोनों की मादाएं या वो बच्चे जो मादाओं के पेट में हो, तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें ताकीद हुक्म दिया, फिर शख्स ने बढ़के जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पे झूठ गढ़ा ताकि वो बगैर इल्म के लोगों को गुमराह करे, और बेशक अल्लाह ऐसे जालिम को हिदायत नहीं देता। ऐ नबी कह दीजिए मेरी तरफ जो वही की गई है उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं पाता जो किसी खाने पर जो जवाब से खाए हराम हो, मगर ये वो मुराद हो या भाया व खून हो या सूर का गोश्त हो क्योंकि मनापा के वो फस्क हो जबा करते हुए अल्लाह के सिवा किसी का नाम पुकारा गया, फिर जो शख्स मजबूर हो जाए बशर्ते का वो सरकशी करने वाला हद से गुजरने वाला ना हो, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब इसमें चीजें मैंने सूरह मायदा आपको मेरे साथ ही हमने तफसीर पढ़ी थी, सूरह मायदा में हमने बड़ी हलाल हराम की, लेकिन इसके अंदर भी देखिए ना कि जैसे कि कोई जानवर अगर मर जाता है एक्सीडेंट से मर जाता है, जैसे लास्ट टाइम आई सॉ कि नई सिविक ने एक गाय के बच्चे को मारा, सिविक भी तबाह होगी, गाय का बच्चा तड़प रहा था तो उन्होंने आकर उसको जबा कर दिया, तो उस तरह से हलाल है, लेकिन अगर वो मर गया है तो वो हलाल नहीं। और अगर हम इसको साइंटिफिकली भी देखें तो आपको पता है कि उन्होंने ये प्रूफ किया है कि जब कोई चीज मर जाती है, जब हलाल करते हैं ना, जब गला काटते हैं और वो अभी अभी जिंदा होता है तो उसका जो खून होता है एक्स्ट्रा विच इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, वो अल्लाह उसकी शारक से निकलवा देता है क्योंकि गर्म होता है उसकी, ये भी उसके अंदर जान होती है, और जब वो मर जाता है तो वो खून उसका निकलता रहता है। हलाल की बात करिए, जब हराम जानवर यानी कि अगर वो बहुत पहले से मरा हुआ है तो उसका खून जहां जहां पर है वहीं वहीं पे जम जाता है। इफ वी ईट दैट मीट उसके अंदर हम एक गंदा खून भी खा रहे होते हैं जिससे कैंसर समेत बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। कह दीजिए मेरी तरफ जो वही की गई है मैं इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं पाता जो हलाल हो हराम हो। फिर अल्लाह ताला ये भी तो कहते हैं ना कि आपका रब बड़ा बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। अल्लाह हर बात पे जब आपको डराता है, अल्लाह आपको कहता है कि ये मत करो, तो उसके बाद अल्लाह ये भी कहता है कि मैं बख्शने वाला हूँ। तो अगर कोई शख्स अल्लाह से माफी मांगे या कोई शख्स अल्लाह की राह के ऊपर चल पड़े, मैं या कोई भी इंसान, आप सबसे बड़ा गुनाह ये करते हैं कि आप उसकी नीयत पे शक करते हैं, चाहे उसके करीबी हों चाहे उसकी दूर के लोग। मेरी भी फैमिली में ऐसे बड़े लोग हैं जो कहते हैं हाँ इसने कौन सा अल्लाह को प्रैक्टिस करना है। मैं उस वक्त कांप जाती हूँ, कहती हूँ या अल्लाह अगर देखो अल्लाह को तो मेरी नियत पता है ना, अल्लाह को तो मुझसे बड़ा प्यार है एंड आई फील अल्लाह लव्स मी। जब आपको किसी से प्यार हो और कोई इसके बारे में बदगुमानी करे या कोई बुरी बात करे तो आपको कितना गुस्सा चढ़ता है, आपका दिल करता है ना कि आप उसको सजा दें। तो मैं ऐसे कांपती हूँ, मैं कहती हूँ या अल्लाह तू उसके साथ क्या करेगा। फिर मैं कभी कभी माफ भी कहती हूँ कि कोई बात नहीं अल्लाह, कुछ लोगों के दिलों में अल्लाह ने ताले डाले में कोई बात नहीं, इसको माफ कर दे जाने दे। खैर कह दीजिए तुम अपने गवाह ले आओ जो इस बात पर गवाही दे कि बेशक अल्लाह ने इन चीजों को नहीं
सॉरी हमने आयत नंबर करनी है 146। और जो लोग यहूदी हुए हमने उनपे हर नाखून वाला जानवर हराम किया और गाय और बकरी में से उनकी चर्बी हराम की सिवाय चर्बी के जो उनकी पीठों या आंतों के साथ लगी हो या हड्डी के साथ मिली हो, ये सजा हमने उन्हें उनकी सरकशी के बायस दी थी और बेशक हम सच्चे थे। क्योंकि यहूदी जो थे they used to practice everything which was even जब दीन आया तो जो चीजें उनकी उनकी बुक में थी या उनके जो बड़े बताते थे वो अगर उन्हें इस्लाम में मिलती नहीं ना कहते थे ये हमारी है ही नहीं। They just wanted to negate Islam for any reason. फिर अगर वो आपको झुटलाएं तो कह दीजिए तुम्हारा रब बसी रहमत वाला है, उसका इजाब मुजरिम कौम से टाला नहीं जाता। जिन लोगों ने शिर्क किया वो जल्दी कहेंगे अगर अल्लाह चाहता तो हम हमारे बाप दादा शिर्क ना करते और ना हम कोई हराम चीज करते। इसी तरह उन लोगों ने हक को झुटला दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। जो उनसे पहले थे यहाँ तक कि उन्होंने हमारा अजाब चख लिया, कह दीजिए क्या तुम्हारे पास कुछ इल्म है तो उसे हमारे सामने पेश करो, तुम तो गुमान ही की पैरवी करते हो और तुम ही अटकल पचू से काम लेते हो। अब ये देखे ना, हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई मुझे एक दफा क्वेश्चन किया एक खातून ने, शी वाज अ नॉन मुस्लिम, शी सेड कि भाई अगर अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है तो जब जुल्म हो रहा होता है तो अल्लाह ताला क्यों नहीं रोक लेता। उन्होंने बेसिकली, मैं बताती हूँ, जो ज़ैनब एक बच्ची थी उसका बड़ी बेरहमी से उसका रेप करके कत्ल कर दिया गया, तो उन्होंने कहा तो उस वक्त अल्लाह उसकी चीखें नहीं सुन रहा था, अल्लाह उसको रोक नहीं रहा था। तो अल्लाह अगर जब्बार और कहार है तो अल्लाह हकीम भी, अल्लाह की एक अपनी हिकमत है, उसकी सजा कहीं नहीं जाती। या बाज़ औक़ात हम देखते हैं, जैसे पिछले दिनों मैंने देखा एक बंदे ने ना अपनी बेगम को बड़ी बुरी तरह से तलाक दी थी, बड़ा जुल्म किया उसके ऊपर, बड़ा गुनाह किया मेरी नज़र में, और उसने जिसको कहते हैं ना फिरौनियत दिखाई। अच्छा, अब उसकी तलाक हो गई, अब वो बीबी जो थी वो उसकी वेट कर रही थी कि अब अल्लाह का अजाब उसके ऊपर आएगा। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अल्लाह नहीं छोड़ेगा, अल्लाह का अजाब आएगा। अब वो वेट कर रही है, 2 महीने बाद बोला भाई इसका तो बिजनेस अच्छा हो गया, 3 महीने बाद बोला भाई इसने तो दूसरी शादी कर ली है, फिर कोई साल बाद बोला यार इसका तो बच्चा भी हो गया है, तो अल्लाह का अजाब किधर है। एक बात आपने याद रखनी है, जब ये जो किताब है ना इससे हटके नहीं सोचना। जब इस पर अल्लाह ने कह दिया ना कि अल्लाह मुजरिमों को सजा देगा तो अल्लाह मुजरिमों को सजा देगा, चाहे वो आज हो चाहे वो कल। अल्लाह हिकमत वाला है, अल्लाह को पता है कि कब किस चीज को क्या देना है। किसी की सारी जिंदगी रस्सी दराज करनी है, आपको क्या पता उसको कितना गुनाह मिल रहा है, आपको क्या पता कि उसने मर के कितने अजाब में जाना है। तो अपने दिल को बड़ा करें और सब्र। अल्लाह कहता है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ नमाज और सब्र दो ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम्हें सुकून मिलेगा। फिर अगर वो आपको झुटलाएं तो कह दीजिए तुम्हारा रब बसी रहमत वाला है, उसका अजाब मुजरिम कौम से टाला नहीं जाता। जिन लोगों ने शिर्क किया वो जल्दी कहेंगे अगर अल्लाह चाहता तो, ये देखिए ना, अब ये कहते हैं मुश्रिक कहते थे भाई अल्लाह चाहता तो हम शिर्क ही ना करते। अब जैसे बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं कहते हैं अल्लाह चाहता तो हम गुनाह ही ना करते। फिर कुछ लोग कहते हैं कि लोहे महफूज में तो हर चीज लिखी हुई है तो हमारे करने ना करने से क्या फर्क पड़ेगा। आई मीन हैव सम सेंस, हैव सम लॉजिक। लोहे महफूज में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तुम्हारी अपनी फितरत के बारे में लिखा। लोहे महफूज इज अल्टीमेट, वो अल्लाह की किताब है, उसके अंदर अल्टीमेट है, उसको हम चैलेंज ही नहीं कर सकते। अल्लाह को पता है कि क्या होना, अल्लाह को पता है। जैसे माँ ही अक्सर बच्चे को गैस कर लेती है कि मेरा बच्चा है, मैंने पता सी उन्हें यही करना है। तो अल्लाह तो 70 माओ जितना प्यार करता है, तो अल्लाह की नॉलेज 70% होगी। तो यू कैन इमेजिन ये जो लिखा हुआ है अल्लाह को पता है कि तुम लोगों ने वही करना है। कह दीजिए फिर मजबूत दलील तो अल्लाह ही की है, लिहाजा अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत देता। अगर अल्लाह ने हिदायत ही देनी थी तुम सबको, अल्लाह ने तुम सबको राय रास पर ही करना था, तो क्या फरिश्ते कम थे? क्यों बनाया इंसान को, कभी सोचा आपने? वाई अल्लाह ताला क्रिएटेड इंसान, या अल्लाह ताला वुड हैव क्रिएटेड इंसान विदाउट सैटन, शैतान के बगैर बना देता कि चलो नहीं वर्ग लाएगा इंसान तो ठीक ही रहेगा, क्या जरूरत। दिस इज आवर टेस्ट, दिस इज आवर टेस्ट, दिस लाइफ, दिस वर्ल्ड इज आवर टेस्ट। कह दीजिए तुम अपने गवाह ले आओ जो इस बात की गवाही दे कि बेशक अल्लाह ने चीजों को हराम किया, फिर वो गवाही दे दे तो उनके साथ गवाही ना दे, उन लोगों की ख्वाहिशात के पीछे ना चलो जिन्होंने हमारी आयात झुटलाई, इन लोगों की पैरवी की जो आखरत पे ईमान नहीं लाते और दूसरों को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। कह दीजिए आओ मैं पढ़कर सुनाता हूँ जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम पर हराम किया, ये तुम किसी के साथ जो चीजें हराम की, आप गौर करें कि आप अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि तुम किसी के साथ, तुम अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराओ। नंबर एक, अल्लाह के साथ सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी एक बात है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। माँ बाप के साथ नेकी करो। मैं आजकल के दौर में इतने बुरी औलाद को जानती हूँ, इतनी नाफरमान औलाद को जानती हूँ कि वो खुद तो अपने माँ बाप के नाफरमान होते हैं, वो दूसरों को भी नाफरमानी पे उतार रहे हैं और उनको जन्नत जाने से डर ही नहीं लगता, वो कहते भुगत लेंगे, आ जाएगी भी देखी जाएगी। ओ भाई, अगर इतनी आसान होती ना तो अल्लाह ने इतना ना डराया होता कि आ जाएगी देखी जाएगी। इट इज नॉट दैट इजी। और ये जो तुम जितना आसान लेते हो, मेरे अल्लाह ने इस कुरान पाक में हर दूसरे मिनट पर आपको अगर डराया है तो उसकी कोई वजह है कि तुम अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरना जरूरी है,
अल्लाह के सामने ढीठ हो जाना या कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर ये कर देना, वी डोंट केयर, दिस इज नॉट द राइट वे, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट द राइट वे. माँ बाप के साथ नेकी करो, अपनी औलाद को तंग दस्ती के डर से कत्ल ना करो. ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में अभी भी करते हैं. अच्छा, कत्ल ना करो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने औलाद को कत्ल कर दिया. ये जो लोग अपनी छः छः सात सात महीने बाद जो अबॉर्शन करा लेती हैं ना खवातीन, कि वो बेटी है या अभी हमें जरूरत नहीं है, इवन दैट इज रॉन्ग. हम तुम्हें भी और उन्हें भी रिस्क देते हैं और बेहयाई के कामों के करीब ना जाओ, ख्वाह वो जाहिर हुए या छुपे हुए हों, और किसी ऐसी जान को बेहयाई के कामों के ऊपर ना जाओ कि वो जाहिर हुए छुपे हुए. उसमें ये भी होता है कि आर फोन इज आर टेस्ट, हमने अपने फोन पे क्या देखना है, तो हमने फोन पे क्या चीज देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल मैं तो कहती हूँ कि शायद जो आजकल का दौर चल रहा है 20वीं सदी में, तो लोगों को जन्नत और जहन्नम जो है ना 90% मोबाइल फोन्स की वजह से भेजेंगे कि हमने क्या देखना है. अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपने दिल की दिमाग की हिफाजत करें, और किसी ऐसी जान को कत्ल मत करो जिसे अल्लाह ने हराम किया हुआ है, सिवाय इसके जिसका कत्ल बरहक, और इन सारी बातों को अल्लाह ने तुम्हें ताकीद की ताकि तुम कल से काम लो. सब तो अल्लाह ने मना कर दिया. फिर लोग कहते हैं इस्लाम जो है ना बड़ा शिद्दत पसंद है, इसमें क्या शिद्दत पसंद है, अल्लाह ताला ने कत्ल तक से तो मना किया. और तुम यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर इस तरीके से जो सबसे अच्छा हो, यहाँ तक कि वो पुख्तगी की उम्र को पहुंच जाए, और तुम नाप तोल को इंसाफ के साथ पूरा करो. किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देते. उफ, ये जो है ना ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये एक और जगह पर भी है, सूरह तौबा की आखिरी आयत में भी है, लहा मा कसबत वअलैहा मा कसबत, रब्बना ला तुअख्खिज़ना इन नसीना वअख्तअना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकता लना बिही वाफू अन्ना वाग्फिर लना अंता. एक बड़ी अच्छी मेरी दुआ है जिसको मैं अक्सर पढ़ती रहती हूँ कि अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी जान से ज्यादा दुख नहीं देता. सो अगर आप पे काम आ भी रहे हैं तो रिस्पेक्ट योर सेल्फ. अल्लाह नोज दैट यू आर फार बिगर देन दैट प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, यू आर फार अबव दैट. सो रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड ट्रीट योर सेल्फ वाइजली. और जब तुम कोई बात कहो तो इंसाफ से काम लो, अगरचा तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो, और तुम अल्लाह का अहद पूरा करो इन सारी बातों की, अल्लाह ने तुम्हें ताकीद की ताकि तुम नसीहत हासिल करो, और यकीनन ये मेरा रास्ता सीधा है लिहाजा तुम उसी की पैरवी करो, और तुम दूसरे रास्तों की पैरवी मत करो, वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से अलग कर देंगे. अल्लाह ने तुम्हें इसकी ताकीद की है ताकि तुम परहेजगारी इख्तियार करो. फिर हमने मूसा को इसलिए किताब दी कि जो शख्स अच्छे काम करे उस पर नियमतें पूरी हों, और हर चीज की तफसील हासिल करने के लिए, और ये हिदायत और रहमत का जरिया है ताकि वो अपने रब से मुलाकात पर ईमान ले आए. अपने रब से मुलाकात पर ईमान ले आए, ये अल्लाह ने बहुत दफा लिखा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आखरत पर ईमान इज वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल की नस्ल, आजकल का दौर, वो समझते हैं मरे फुस एवरीथिंग इज गॉन. नहीं, अल्लाह ने लिखा है. अल्लाह तो हजरत यहूदियों को ये कह रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहि सलाम की किताब में लिखा था, अब उन्होंने किताब बदल दी. आई डोंट नो, आई हैव नेवर रेड, मैंने वो बाइबल तो पढ़ी है बट आई हैव नेवर रेड दैट बुक. और ये कुरान कज़ीम किताब है, हमने उसे नाजिल किया, बरकत वाली है, पस तुम इसकी पैरवी करो, परहेजगारी इख्तियार करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम ये ना कहो कि सिर्फ हमसे पहले दो ग्रोहों यहूद और नसार पर किताब नाजिल की थी, बेशक हम तो उनके पढ़ने पढ़ाने से बेखबर थे. और तुम ये ना कहो कि अगर बेशक हम किताब नाजिल की जाती तो हम उनसे जरूर हिदायत याफ्ता हो जाते, चनाचे यकीन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक वाजिया किताब और हिदायत और रहमत आ गई. फिर उस शख्स से ज्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह की आयात को झुठलाया और उनसे मुंह मोड़ा. जो लोग हमारी आयत से मुंह मोड़ते हैं, हम उन्हें जल्द सख्त अजाब की शक्ल में सजा देंगे, इसलिए कि वो हक से मुंह मोड़ते हैं. क्या वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आए या आपका रब आए या आपके रब की बाज़ निशानियां आए? जिस दिन आपके रब की बाज़ निशानियां आ जाएंगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फायदा नहीं देगा जो इससे पहले ईमान नहीं लाया था या उसने ईमान में कोई नेक अमल नहीं किया था. कह दीजिए तुम इंतजार करो, बेशक हम भी इंतजार कर रहे हैं. बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में तफरकाबाजी की और वो ग्रोहों में बट गए, हुण मैनूं दसो जदों इह जिहड़े इन्ने वड्डे वड्डे मौलवी ते अलामा फिरके की बात करते हैं, जी हमारा तो फिरका ये है, हमारा तो फिरका वो है, हम तो इस फिरके से हैं. मेरा राबी पीरज़ादा का ऐलानिया कोई फिरका नहीं है. हाँ, सूरह बकरा की आखिरी आयत, सॉरी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, फरमान मोहम्मद सूरह बकरा की आखिरी आयत, राबी पीरज़ादा का कोई फिरका नहीं है. मैं शिया हूँ, मैं किसी सहाबा को गाली नहीं देती, मैं अहले बैत से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं सारी अहदीस को मानती हूँ, मैं सारे सहाबा को मानती हूँ, मैं वहाबी हूँ क्योंकि वहाब मेरे अल्लाह का नाम है, मैं अहले सुन्नत हूँ क्योंकि मैं सुन्नत पर भी अमल करती हूँ, मेरा कोई फिरका नहीं है. आई डोंट बिलीव ऑन फिरका. निकले यही सारे मेन फिरके, अगर कोई रह गया तो भाई मैं वो भी हूँ. वैसे मेरे घर वाले कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात है, लेकिन मैंने उन्हें कहा भाई मैं फिरके में नहीं हूँ, और ये देख लें मेरे घर वाले भी सुन लें कि
सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, बेशक जिन लोगों ने अपने दीन में तफरकाबाजी की वो ग्रोहों में बट गया, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, बेशक उनका मामला अल्लाह के हाथ में, फिर वो उन्हें उनके कामों से आगाह करते जो वो करते रहे। जो शख्स वहां एक नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए 10 गुना सवाब होगा, जो शख्स एक बुराई लेकर आएगा तो उसे बस उसी के बराबर जैसा सजा दी जाएगी, उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। देखो ये पाकिस्तान की कोई अदालत नहीं है, वो अल्लाह का इंसाफ है, अल्लाह बहुत इंसाफ करने वाला है। ए नबी कह दीजिए, बेशक मुझे मेरे रब ने सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी है, सही आला इकदार के हामिल दीन की, एक रब के परिस्तार इब्राहिम के तरीके की, और वो मुशरिकों में से नहीं था। अव्वलुल मुस्लिमीन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कह दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, सब कुछ रब्बुल आलमीन के लिए। ये कितनी बड़ी बात है, नमाज, कुर्बानी, जिंदगी, मौत। अच्छा ये वैसे मैं माफ कर लेती हूँ, आई राइट दैट कैलीग्राफी, इसकी भी मैं इंशाल्लाह कैलीग्राफी। उसका कोई शरीक नहीं है और मुझे उसी तौहीद का हुक्म दिया गया, और मैं सबसे पहला मुसलमान हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अच्छा आगे एक और भी मैंने देखा है कि ये लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 72 फिरकों में बट गए और ये उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी और सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फिरका के, फिरका वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलने वाला होगा। वंस अगेन, जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फिरका वारिय से मना किया, मैं अहदीस को कभी गलत नहीं कहती, मैं अहदीस अगर नहीं होती तो हम जिंदगी नहीं गुजारते, लेकिन जब कुरान पाक में फिरका वारिय से मना किया गया है तो हमें अवॉइड करना चाहिए। कह दीजिए, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूं, बेशक वही हर चीज का कादिर है, और कोई शख्स ऐसा गुनाह नहीं कमाता जिसका बवाल उसी पर ना हो। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, फिर अपने रब की तरफ ही लौटना है, चनाचे वो तुम्हें इन बातों से आगाह कर देगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे, और वही है जिसने तुम्हें जमीन में एक दूसरे का जानशीन बनाया और तुम्हें से बास को बास पर ऊंचे दर्जे अता किए ताकि वो नियमतों में से आजमाए जो उसने तुम्हें दी। बेशक आपका रब बहुत जल्द सजा देने वाला है और बहुत बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। अब देखो, बास को बास से ऊंचे दर्जे दिए, अभी एक बात खत्म, बास को बास से ऊंचे दर्जे दिए, ठीक है, मैं कमेंट्स आपके बाद में पढ़ूंगी। अब ऊंचे दर्जे देने के बाद एक ऊंचे दर्जे वाला कह रहा है, भाई मुझे तो ऊंचा दर्जा दे दिया, मुझे तो बड़ा प्यार, मुझे तो बड़ा पैसा दे दिया, मुझे तो बड़ी पावर दे दी, बड़ी पोजीशन दे दी, फिर आगे क्या कहा, ताकि वो तुम्हें नेमतों से आजमाए जो उसने तुम्हें दी। जस्ट इमेजिन, अल्लाह ने कहा मैंने तुम लोगों को ऊंचे दर्जे दिए, ऊंचे दर्जे वालों ने ऐसे गर्दन अकड़ाई, जैसे अक्सर मैंने तो खैर से बहुत सारे उलामा की, बहुत सारे दीन के लोगों की गर्दन में भी सरिया देखा है, मतलब कैसे तुम दीन पढ़ते हो तुम लोग, एक खैर मैं वो बात करूंगी। तो अब हमने सूरह आराफ इंशाल्लाह शुरू करनी है, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे आपके साथ कुरान पाक की जो है ये जारी रखवाए। मेरे ट्विटर के ऊपर मुझे कुछ खवातीन ने दिखाया कि किसी आलिम ने, बेचारे के कुछ फॉलोअर्स भी थे, कुछ हजार फॉलोअर्स थे, उन्होंने कमेंट मेरी एक बात का जवाब दिया और आगे नीचे लिखा, वैसे तो मैं आपको बात का जवाब नहीं देना चाहता था। मैंने कहा यार इस बंदे ने कुरान को, दीन को पढ़ा, ये दीन को पढ़ाता है, और एंड में उसने इतना प्राउडली एक स्टेटमेंट दे दी, एंड वाज वेरी, इट शोज एरोगेंट। इवन लोगों ने नीचे कमेंट भी किया कि भाई आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आप किस बात पे गरूर करते हैं। दुनिया का पहला गुनाह जो था ना वो शिर्क नहीं था, गरूर था, मैं इससे बेहतर हूँ। शैतान ने कहा था अल्लाह ताला से, ये इंसान, मैं तो इंसान से बेहतर हूँ। ऐसा ना किया, ऐसा बिल्कुल ना किया, अल्लाह से डरे। और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आपने क्या करना है, अब हम लोगों ने मिलकर अपने अपने घरों में नमाज पढ़नी है, मगरिब की नमाज पढ़नी है, 2 नवाफिल हाजत की अदा करनी है। मैं बड़ी गुनाहगार बनती हूँ, मैं कभी कोई अपना लेबल नहीं लगाती हूँ, बट मैं इंटेलिजेंट इंसान, मैं गुनाहगार हूँ लेकिन इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए आपको कुरान पाक पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ, खुद भी समझती हूँ। अब मैं जाऊंगी यूट्यूब के ऊपर, आपके कमेंट्स के आंसर करूंगी, और अगर कोई मेरी बात सुन रहा है, अदनान भाई, तो मैं उन्हें बुलाऊंगी कि वो लाइव को बंद कर दें, एंड आई विल बी, इसको बंद कर दें, आई विल बी लाइव ऑन यूट्यूब। जज़ाकअल्लाह। So now this is the time for your comments. Aisha Zubair, can I meet you? Sure, Behan. Everybody can meet me. Shallow Pawa, sister, just a bit more explain about my Allah allows other to do bad. No, Allah does not. Allah allow ka to ye hota na ki Allah has good and bad. Allah let you do the bad. Allow ka nahi hota.
why does Allah let others do the bad? That should be the proper answer. Question. So Allah does not do, people do it by themselves. बिल्कुल आयशा ज़ुबैर, यू कैन मीट मी एनी टाइम. ख़वातीन तो मेरे से कभी भी मिल सकती हैं. मीटिंग एरिया इंग्लिश बोलो. रुबाब जफर, अबे यार रुबाब तुम्हारा बराबर जो है ना, ये पता नहीं कब जो है ये किसी में जाएगा. ओके देखो आयशा, बात ये है कि आप ना, मेरा ऑफिस है, मैंने भी एक दिन रख ला ना, मेरी टीम वाकई ऐसा कहती है. उसकी वजह ये कि मैं यूजुअली उन लोगों से मिलती हूँ जो बहुत ज़रूरतमंद होते हैं, साइकोलॉजिकली शैटर्ड होते हैं, जिनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है या जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है. तो मैं आयशा ज़ुबैर के बारे में भी मैसेज कर दूँगी उन्हें, दे विल अलाउ इट. इंशाल्लाह. चलें जी, और कोई बात अगर आपने करनी है तो आप कर लें. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग मुझे साथ साथ ठीक भी कराते हैं. मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के. और दुआ करें कि मैं बस जारी रखूं अपना ये सफ़र, और मैं आपको, आपके साथ अल्लाह का जिक्र करती हूँ.